स्वागत है आपका पौधदार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनन। खनन जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं, अर्थात जहां खनिज पाए जाते हैं, वहाँ खनन व्यवसाय किया जाता है। व्यवसाय किया जाता है अर्थात जहाँ खनिज होंगे वहाँ कौन से व्यवसाय होगा? खनन। अब बात करें अर्थ की। अर्थ खनन का अर्थ क्या है? भूगर्भ अर्थात जमीन के आंतरिक भाग से, भूगर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज। जो भी चीज़ें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाली जाती है उन सबको हम खनिज कहते हैं। अब ये खनिज जो है, जो ये पृथ्वी पर सभी समान नहीं है, जो खनिज पाए जाते हैं इन सब का जो वितरण है वो असमान है। कैसा है? असमान। भूगर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। और खनिज व्यवसाय कहाँ होगा? जहाँ खनिज होंगे वहाँ क्या होगा? खनन। और ये भी निश्चित है ये सब खनिज इनके आंतरिक भौतिक यौगिक रासायनिक दृष्टि से सब अलग अलग होते हैं और इनका वितरण भी क्या है? पृथ्वी पर असमान है। खनिज भौतिक या रासायनिक तत्व या यौगिक है। खनिज क्या है? खनिज क्या है? भौतिक, रासायनिक, भौतिक रासायनिक या यौगिक। खनिज क्या? भौतिक रासायनिक या यौगिक है। ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। जो खनिज होते हैं इनकी पहचान क्या है? प्रत्येक खनिज की पहचान अलग होती है और इन सब कारण क्या है? भौतिक एवं रासायनिक गुण। खनिज भौतिक व रासायनिक के आधार पर जाने जाते हैं। अब खनिजों का विकास ऐसे नहीं हुआ, इसका विकास खनिज की खोज कई अवस्था में हुई। जो खनिज है, खनिज की खोज ये नहीं हुई अचानक हुई, इसकी एक स्टेज थी, अवस्थाएं थी, कई अवस्थाएं खनिज की, कई अवस्थाएं जैसे पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। इसकी शुरू शुरू में जो खोज की थी वो तो क्या था? पाषाण युग। पाषाण युग में व्यक्ति ने चट्टानों के द्वारा अपना जीवन, उसके बाद आया था ताम्र युग, और ताम्र युग के बाद कांस्य युग और इसके बाद लोह युग, और वर्तमान का जो समय है उसको इस्पात युग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय को इस्पात युग के नाम से जाना जाता है। इस्पात युग के नाम से जाना जाता है
देखो खनिजों खोज की अवस्थाएं, जैसे इसकी कई अवस्थाएं, पहली पाषाण युग, दूसरी ताम्र युग, तीसरी कांस्य युग, चौथी लौह युग, उसके बाद वर्तमान जो युग चल रहा हो किसका है, इस्पात। वर्तमान में इसको इस्पात युग के नाम से जाना जाता है। और खनिज को हम आर्थिक मापदंड का आधार भी मान सकते हैं। जो खनिज है उसका मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खनिज अमूल्य प्राकृतिक संपदा है। खनिज अमूल्य प्राकृतिक संपदा है। खनिजों के उत्पादन व उपभोग से, खनिजों के उत्पादन व उपभोग से हम किसी देश के आर्थिक मापदंड का आधार पता कर सकते हैं। जितने अधिक खनिजों का उत्पादन होगा उतना ही अधिक वो देश क्या होगा, विकसित होगा और आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। देख लो विश्व में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन यूएसए करता है। कौन करता है? यूएसए। विश्व का लगभग 34% जो खनिज उत्पादन है यूएसए करता है और इसकी महाशक्ति है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में इसका स्थान 11वां है। खनिजों की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 11वां नंबर पर आता है। ठीक है, तो स्पष्ट है खनिज किसी देश के आर्थिक मापदंड का आधार है। जितने ज़्यादा खनिज होंगे वो देश उतना ज़्यादा विकसित होगा, उतना ही ज़्यादा समृद्धशील होगा। अब बात करें खनिजों के प्रकार। खनिज देखो धात्विक आधार पर खनिजों के इतने प्रकार, देखो खनिज प्रमुख रूप से खनिज चार प्रकार के हैं, धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरा ईंधन और चौथे में बहुमूल्य खनिज। तो खनिज देखे, एक तो धात्विक खनिज हो गया, दूसरा अधात्विक, तीसरा ईंधन, चौथा बहुमूल्य खनिज। अब धात्विक खनिजों को भी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, दो प्रमुख प्रकार है। एक तो लौह खनिज और दूसरा है अलौह खनिज। अलौह खनिज, अब धात्विक खनिज बात करें, वो चीज़ें वो खनिज जिनमें धातु पाई जाती है अर्थात जिन कूटने पीटने पर मुड़ जाए, टूट जाए, विद्युत प्रवाह हो, वो सब कहलाते हैं, जिनका पुनर्निर्माण संभव हो, पिघलाकर उनको किसा कैसा भी रूप दिया जा सकता है, उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज जो है, एक तो लोह, जिन खनिजों में लोहे के अंश पाए जाते हैं, लोहे गुण पाए जाते हैं, उनको लौह खनिज, और दूसरा है अलौह खनिज जिसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं। जैसे लोहे में लोहा, निकिल, मैग्नीज, ये सब कैसे हैं? लौह खनिज। ये कैसे हैं सब? लौह खनिज। अब आती है अलौह खनिज की, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब कैसे हैं? अलौह खनिज। इन सब खनिजों में लोहे के गुण नहीं पाए जाते, चुंबक के गुण नहीं पाए जाते, इसलिए इनको अलौह खनिज कहते हैं। जबकि इन सब में लोहे के गुण पाए जाते हैं, चुंबक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको लौह खनिज कहते हैं। अब उसके बाद है अधात्विक खनिज।
ए धातु खनिज में इमारती एवं रासायनिक, एक चाहे इनके भी दो भाग, एक तो है इमारती अर्थात जो बहुत मूल्यवान होती हैं वो चीज़ें, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। इमारती देखो, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ये सब कैसे हैं इमारती। इसके बाद धातुक में और आगे बात पढ़े हम रासायनिक खनिजों की। रासायनिक खनिज नमक, अभ्रक, जिप्सम। नमक है, अभ्रक, जिप्सम, ये सब रासायनिक खनिज हैं। ईंधन में देखो आप, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन की बात करें तो हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहुमूल्य खनिज है। ये बहुमूल्य खनिज हैं, इन सब के गुण पाए जाते हैं, कुछ भाग इनका होता है, परंतु अगर इनकी मूल्यवान कीमत के आधार पर और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं खनिज, बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए इनको हम अलग लेते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब कैसे हैं बहुमूल्य खनिज। खनिजों की बात करें हम, खनिज प्रमुख रूप से तीन प्रकार होते हैं, धात्विक, अधात्विक, ईंधन खनिज। लेकिन इन कुछ मूल्यताएँ कुछ विशिष्ट आधार पर एक चौथा भाग में बांट गया है, बहुमूल्य खनिज। धात्विक खनिजों में बात करें तो धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला लोह खनिज, जिसमें लोह खनिज में निकिल, मैग्नीज, लोहा, एलोह में सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, तांबा आदि को सम्मिलित किया गया है। अधात्विक इमारती में चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। रासायनिक खनिजों में नमक, अभ्रक, जिप्सम आदि। ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम गैस, और बहुमूल्य खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, अब है खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक। खनिज को प्रभावित करने वाले कारक, खनिज को प्रमुख रूप से दो कारक है जो प्रभावित करते हैं, एक प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक, और दूसरी बात करें हम मानवीय। प्राकृतिक एवं मानवीय, प्रकृति में खनिजों के भंडार की स्थिति, मात्रा, प्रकार, संपन्नता और समीपता। प्राकृतिक कारों में खनिजों के भंडार की, जहाँ ज़्यादा भंडार होंगे खनिजों के वहाँ उत्पादन भी अधिक होगा, मात्रा
गुणवत्ता, बाजार समीपता, खनिज के प्रकार, प्राकृतिक कारणों। अब जैसे खनिजों के भंडार, अब मान ले जहाँ पर विपुल भंडार है तो वहाँ पर निश्चित तौर पे अधिक विकास होगा, अधिक मात्रा में हम व्यय करेंगे, सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध अपना हो जाएगी। भंडार अगर भंडार कम है तो वहाँ पर खनिज का उत्खनन करना घाटे का सौदा हो सकता है। दूसरा, मात्रा, कौन कौन खनिज कितने प्रकार के हैं, गुणवत्ता की, जो वहाँ पर जो खनिज पाया है, जिस स्थान पर जो भी खनिज पाया गया है वो कितनी गुणवत्ता है, उसमें कितने खनिज हैं, कितने अपशिष्ट पदार्थ हैं। अगर मान लीजिए गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो उच्च क्वालिटी का खनिज नहीं है तो उसमें घाटे का सौदा हो सकता है। उसके बाज़ार की समीपता, जहाँ हम खनिज का खनन कर रहे हैं वहाँ से बाज़ार कितनी दूर है, अगर बाज़ार अधिक दूर है तो वहाँ परिवहन लागत बढ़ जाएगी जिससे खनिज की कीमत बढ़ जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाज़ार की समीपता, खनिजों के प्रकार, जैसे सीसा, जस्ता, तांबा, तीनों एक चीज़ है, मिश्रित खनिज है, अगर ये आसपास पाए जाए तो उनको खनन में दिक्कत नहीं आती, इसलिए जो वहाँ खनिज पाया जाता है उसका प्रकार कैसा है। ठीक है, ये सब बातें। अब बात करें हम मानवीय की, मानवीय कारकों में यातायात सुविधा, यातायात सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी, श्रम, पूंजी, श्रम, तकनीकी, शिक्षा, सरकारी नीतियां, यातायात सुविधा। जैसे लेह लद्दाख के वहाँ पर सौर पैनल के बहुत सारे भंडार है, लेकिन यातायात सुविधा का अभाव होने के कारण क्या वहाँ पर संभव नहीं। जब तक यातायात सुविधा नहीं होगी चाहे कितने भी खनिजों हम उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी मानव पहुँच नहीं होगी, उसको बाजार से नहीं जोड़ सकते, तब तक उस खनिज का व्यर्थ है, इसलिए यातायात सुविधा। दूसरी बात, पूंजी, खनिजों को उत्खनन में एक भारी पूंजी की आवश्यकता, बहुत बड़ा पैसे की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता होती है, कई बार पैसे या पूंजी के अभाव में उत्खनन नहीं कर पाते। उसके बाद है श्रम, मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है, तकनीकी विकास, क्योंकि वर्तमान में बिना तकनीकी के खनिज तो पहले ही बहुत थे पर उनका खनन संभव क्यों नहीं था, तकनीकी विकास नहीं था, इसलिए तकनीकी विकास भी प्रमुख कारण है। उसके बाद शिक्षा, हमें खनिजों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जानकारी के अभाव में कोई भी चीज़ खनिज खरीद नहीं सकती, वो संसाधन नहीं बन सकता। और सबसे सरकारी नीतियाँ, अगर सरकारी नीतियाँ सरल है, उत्साहवर्धन करती है, बढ़ावा देती है, तो निश्चित तौर पर खनिज कार्य संभव है, कोई भी कंपनी या व्यक्ति उस कार्य करने को अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। अगर सरकारी नीतियाँ कठिन है, नियम कानून ज़्यादा हैं, तो वहाँ सब चीज़ों में फिर समस्या आती है। तो खनिजों को प्रभावित करने वाले कारकों में दो प्रमुख, एक तो प्राकृतिक और एक मानवीय। प्राकृतिक कारकों की बात करें हम, खनिजों के भंडार, गुणवत्ता, बाजार समीपता, खनिज के प्रकार, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि मानवीय कारकों की बात करते हैं, यातायात सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी, शिक्षा, सरकार नीतियाँ आदि। अब है खनिज की विशेषताएँ, खनिजों की विशेषता, विशेषता
खनिजों की विशेषता की बात करते हुए सबसे प्रमुख कारण है असमान वितरण, असमान वितरण। पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है, ये सब समान रूप से नहीं पाए जाते। कहीं लोहे के भंडार है, कहीं कोयले के, कहीं चूना पत्थर के, कहीं प्राकृतिक गैस के। दूसरा, अधिकांश जो खनिज होते हैं अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता कि कितना है, कितने भंडार है, कितने नहीं है। और दूसरा, अनवीकरण, जो भी पृथ्वी के अगर में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें से अधिकांश जो खनिज जैसे अनवीकरणीय है, उनका एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग संभव नहीं है। इसलिए जितने भी मात्रा में खनिज है उनका बहुत ही सावधानी और जागरूक उपयोग करना चाहिए। तो दुख है, एक पहली विशेषता क्या थी, असमान वितरण, दूसरा अनिश्चितता, और तीसरा अनवीकरण। तीसरी बात करें, जितने भी खनिज होते हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। भूगर्भ में पाए जाते हैं, अब इनका सर्वेक्षण करने के लिए, उत्खनन करने के लिए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। खनिजों की भूगर्भ पाए जाते हैं, इसलिए सर्वेक्षण, उत्खनन, इन सब कार्यों के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी श्रम की आवश्यकता होती है। दूसरी अगर बात करें, पृथ्वी से जो खनिज निकालने की प्रक्रिया है, भूगर्भ में से हम जो खनिज निकालते हैं वो दिन पर दिन कैसे हो जाती है, खर्चीली। निकालने क्रिया दिन प्रतिदिन खर्चीली होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे खाने गहरी होती जाती हैं, खनिज गहरे होते जाते हैं, तो उनको निकालने का जो खर्च है वो बढ़ता चला जाता है। आगे बात करें खनिजों का उपयोग, खनिजों का उपयोग बाजार मांग पर निर्भर करता है, बाजार मांग पर निर्भर किस पर निर्भर करता है, बाजार मांग पर। तो खनिजों का वितरण ऐसा मान है, खनिज निकालने की जो प्रक्रिया दिन पर दिन खर्चीली होती जाती है, अधिकांश खनिज अनिश्चित है, अवनीकरण है, पता नहीं कितने भंडार है, कितने नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक अधिकांश खनिज अनिवीकरण है, उनको एक बार उपयोग में लेने के बाद उनका पुनः उपयोग संभव नहीं है। खनिजों का, खनिजों के उत्पादन पर बात करें, खनिजों के उत्पादन पर कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। कहीं किसके भंडार ज़्यादा है, कहीं पर किसके, कहीं लोहे के भंडार है, कहीं एल्युमिनियम के भंडार ज़्यादा है, कहीं तांबे के, कहीं सोने के, कहीं चांदी के। इसलिए कोई भी देश क्या है, खनिजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि सब जगह सब खनिज नहीं पाए जाते। इसलिए विश्व में सर्वाधिक खनिजों का जो उत्पादन है वो यूएसए करता है, यूएसए करता है लगभग विश्व का 34%। बात करें हम विश्व में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन,
यूएसए लगभग 34%, रूस लगभग 10.6, इंग्लैंड 10.5, जर्मनी 5.2, जर्मनी 5.2%। वहीं हम भारत की बात करें, भारत का विश्व में 11 नंबर पर है, 11वें स्थान है भारत का। भारत का खनिज उत्पादन से 11वें स्थान है, लगभग 1.03%, विश्व का 1.03% उत्पादन भारत करता है। किसका? खनिजों का। सर्वाधिक यूएसए अमेरिका संयुक्त राज्य का 34%, दूसरे नंबर पर आता है रूस 10.6%, तीसरे पर इंग्लैंड 10.5, चौथे पर जर्मनी 5.22, और भारत का जो स्थान है वो 11वां है 1.3%। स्पष्ट है इससे कि जिस देश में जितना अधिक खनिज का उत्पादन हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा संपन्न है। देखो विश्व में सबसे महाशक्तिशाली के रूप में अमेरिका, दूसरे नंबर पर बात करें तो हम रूस की, ये जितने भी शीर्ष देश हैं सब कैसे हैं? विकसित देश हैं। भारत में खनिजों का उत्पादन क्या है? कम है, तो कैसा है? विकासशील देश है। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।